और दोस्तों क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। मैं हूं तुम्हारा भाई सुमित और ये रहा सिंचैन। और आज सिंचैन कितना मस्त मौसम है सही में। हां सुमित भाई, एक नंबर की धूप निकल रही है बिल्कुल तेज तेज। मेरा तो पिछवाड़ा जल रहा है। इतनी तेज भी नहीं निकल रही जितना पिछवाड़ा जल रहा है। अरे सुमित भाई, मेरे को गर्मी थोड़ी ज्यादा लगती है ना, क्योंकि तुम तो काले हो, गोरे लोगों को ज्यादा लगती है गर्मी। बकवास मत कर, इतना ही तो पढ़ा लिखा है। गोरे लोगों को कम लगती है और कालों को ज्यादा लगती है। अरे सुमित भाई, तुम तो धूप में घूम घूम के काले हो गए, मुझे तो गोरा रहने तो कलवे कहीं के। अच्छा ज्यादा नहीं बोल रहा है क्या तू? समित भी मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई सच्चाई होती है। काले लोग धूप में घूमते इसलिए काले हो जाते हैं, और गोरे लोग घर में रहते हैं इसी में इसलिए गोरे रहते हैं कलवे कहीं के। गाइस यार, ये तो सुबह सुबह बेइज्जती मार रहा है। अरे समित भी, बेइज्जती नहीं मार रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, यही होता है ना दोस्तों। गोरे लोग वो होते हैं जो एसी में रहते हैं, और काले वो रहते हैं जो पूरे दिन धूप में घूमते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? किसने बताया तेरे को ये सब? पागल है क्या तू? अरे समित भी, दिखता है तुम काले मैं गोरा, ओ बेटे घर में हो दिया छोरा। ये क्या जोड़ रहा है भाई, फालतू के गाने बना रहा है कुछ भी जोड़ जाड़ के। समित भैया, फालतू के गाने नहीं है ये, एक दिन सब सुनेंगे। मैं बहुत बड़ा सिंगर बनने वाला हूँ एक दिन, तुम क्या जानो मेरे बारे में, ठीक है ना? देखो देखो, मेरी नई गाड़ी है ना, एक नंबर की। मेरे को पता है सिंचन यहीं पर रहता है, बहुत बोल रहा था ना उस दिन क्लास के अंदर। अब बताता हूँ उसको जाके। हाँ यही घर है उसका। ओए ये रहा सिंचन। ओए सिंचन देख, मैं आ गया। अरे कौन आ गया समित भैया, क्या गाड़ी है, कितनी मस्त है। अरे सिंचन मैं हूँ लिल्लू। अरे लिल्लू तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे मैं तेरा घर ढूंढ रहा था, और आखिरकार तू मुझे मिल गया। अरे वाह लिल्लू यार, क्या गाड़ी है तेरी, कमाल की सही यार। एक बार मेरे को चलाने दे, कौन सी गाड़ी है ये? अरे ये है ट्रांसफॉर्मर वाली गाड़ी। अरे समित भैया देख रहे हो, क्या मस्त गाड़ी है, बिल्कुल चमचमा रही है, चारों तरफ से शाइन मार रही है। ओए लिल्लू एक बार चलाने देना। अरे गलीब, मैं नहीं चलाने दूंगा, ये गाड़ी मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट में दी है, और मैं तुझे क्यों चलाने दूं मेरा गिफ्ट। अरे एक बार चलाने दे यार प्लीज। अरे नहीं 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 चलाने दूंगा, ये मेरी स्पेशल रोबोट कार है। अरे सुमित भैया उसको देखो, मेरे को गाड़ी नहीं चलाने दे रहा। अरे चलो फकीर गरीब लोग कहीं के मेरी गाड़ी चलाएंगे, देखा कितनी सारी लाइट जली थी इसके अंदर। अरे सुमित भैया इतनी सारी लाइट्स कैसे जल रही इसकी गाड़ी में? अरे ऐसा कुछ खास भी नहीं है तेरी गाड़ी में, ठीक है ना? अच्छा तुम्हारे पास है क्या ऐसी मस्त रोबोट वाली गाड़ी जिसके अंदर इतनी सारी लाइट्स हो? हाँ है, हमारे पास भी है गाड़ी। अच्छा अच्छा बताओ कहाँ पर है? हाँ मेरे घर पर है, दूसरे वाले पर, वहाँ पर तीन तीन गाड़ी है मेरे पास ऐसी, ठीक है ना? कोई बड़ी बात नहीं तेज ऐसी गाड़ी रखना। अरे झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास तो खटारा सी गाड़ी है। समित भैया सच में हमारे पास गाड़ी है क्या? हाँ सिंचन क्यों नहीं, गाड़ी है मेरे पास। अच्छा चलो मैं शाम को आता हूँ, अगर तुम्हारे पास सही में गाड़ी है तो तुम दिखाना मेरे को। यार झूठ बोल रहे हो, चलो मैं चलता हूँ मेरी खतरनाक वाली गाड़ी लेके, ब्रूम ब्रूम। अरे सुमित भैया सच बोल रहे हो क्या, हमारे पास भी ऐसी गाड़ी है क्या? हाँ है ना सिंचन। फिर सुमित भैया तुम लेके क्यों नहीं आते, मुझे लगा तेरे को शौक नहीं है ऐसी गाड़ियों का। अरे पागलों के सुमित भैया, मुझे नहीं पता, जाओ जल्दी से उन सभी के सभी गाड़ियों को लेके आओ, मुझे इस लिल्लू की ऐसी तैसी करनी है, इसने मेरी बेइज्जती मार दी। बताओ मेरे को गाड़ी चलाने को नहीं दिया, मैं इतना बुरा हूँ क्या? अरे नहीं सिंचन तू टेंशन मत ले। अरे सुमित भैया आ जाना, जब तक मैं एक्शन कामिन देखता हूँ, इस लिल्लू की तो ऐसी तैसी मेरे को चिढ़ा रहा है ना, मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी गाड़ी है, सुमित भैया ने बोला है। ओके तो गाइस यार यहाँ पर दिमाग खराब हो गया यार, इतना मस्त मौसम निकला हुआ था और दिमाग का हो गया ना खराब सब कुछ भाई। असल में मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं है ऐसी, मैं झूठ बोल रहा था यार सिंचन को। अब क्या कर सकता था यार, अगर मैं वहां बोल देता कि हमारे पास ऐसी गाड़ी नहीं है तो फिर तुम्हें पता है सिंचन कैसे रोने लग जाता भाई, रो तोड़ा है बिल्कुल। पर अब मैंने हाथों भर लिया सिंचन को, हमारे पास गाड़ी है पर हमारे पास कोई भी गाड़ी नहीं है जो इतनी ज्यादा कूल हो जो उस बच्चे के पास थी। यार कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा यार सिंचन के लिए, मेरे को ऐसी गाड़ी कहीं ना कहीं से ढूंढ के ला के ही देनी पड़ेगी, वरना तुम लोगों को पता है। तो यार अभी हम लोग जा रहे अपने एक दोस्त के पास जिसे तुम लोग अच्छे से जानते हो, साइमन को। मेरे को पूरा विश्वास है साइमन मेरी जरूर हेल्प करेगा इस चीज के अंदर, क्योंकि भाई उसको हर गाड़ी की नॉलेज है, हर तरीके की गाड़ी वो रखता है अपने शोरूम के अंदर। तो चलो गाइस यार बस हम लोग पहुंच गए। और साइमन क्या हाल है? एक सेकंड, एक भी गाड़ी क्यों नहीं खड़ी आज साइमन के शोरूम पे? अरे साइमन गाड़ियां कहां चली गई तेरी सारी? अरे स्मित। हाँ मैं। अबे कैसे पूरा शोरूम खाली खाली पड़ा है, क्या है, गाड़ी कहां गई तेरी सारी सारी? अरे कुछ नहीं यार, नहीं रख रहा मैं गाड़ी। क्यों? अरे यार जो गाड़ियां मैं रखता था उनको कोई खरीदता ही नहीं था यार, आउटडेटेड हो गई। अच्छा फिर? अरे एक रैम चैलेंज हो रहा है खतरनाक वाला, उसके अंदर ऐसी ऐसी गाड़ी मिलेगी जो पूरे लॉस सैंटोस में नहीं है। एक बार मैं वो रैम चैलेंज जीत जाऊँ उसके बाद मेरे पास खतरनाक खतरनाक गाड़ी आ जाएगी, फिर उनको बेचूंगा मैं। सही में? सच पता? हाँ। अबे यार मेरे को वो फैंसी गाड़ी चाहिए जो तूने एक बच्चे के पास देखी हो रोबोट जैसी। अरे ये तो जवाब नहीं देने वाला शायद। अरे हाँ वो गाड़ी वैसी ही मिलेगी, बिल्कुल ब्रांडेड गाड़ी है वहाँ पर। हाँ तो मेरे को बता दे यार कहाँ पर होने वाला।
वाला है वो रैम चैलेंज। अरे मैं क्यों बताऊं कि कहां पर होने वाला है वो रैम चैलेंज, फालतू में कंपटीशन बढ़ाऊंगा क्या मैं वहां पर जाके, जीतना मुझे है। अब वो टकले तुझे पता है मैं कहीं ना कहीं से निकाल लूंगा कि कहां पर हो रहा है वो रैम चैलेंज। अच्छा फिर तू मेरे पास क्यों आया, किसी और से पूछ ले जा यहां से, कल में कहीं के मेरे को टकला बोलता है। ज्यादा मत बोल साइमन के बच्चे, तू ठीक है ना, और रैम चैलेंज मैं ही जीतूंगा वो। चलो गाइस यार चलते अब यहाँ से जल्दी सी। तो यार यहाँ पर तो हेल्प हुई नहीं हमारी कोई, पर मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि यार कोई रैम चैलेंज होता बताया लॉस सैंटोस के अंदर, वहाँ पर ऐसी खतरनाक वाली गाड़ी मिलने वाली है जो किसी के पास भी नहीं है। बस अब मेरे को ये इन्फॉर्मेशन कहीं से लेनी पड़ेगी कि यार वो रैम चैलेंज कहाँ पर हो रहा है। उसके लिए मैं आ चुका हूँ फिलहाल माइकल के घर पर, क्योंकि तुम लोगों को पता है अबे जिमी क्या कर रहा है, साइकिल गियर रखी है रोड पर। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं माइकल के घर पर, और तुम्हें पता है माइकल को सारी इन्फॉर्मेशन रहती है लॉस सैंटोस के बारे में कि कहाँ पर क्या चल रहा है। तो इसको जरूर पता होगा कि कहाँ पर हो रहा है वो वाला रैम चैलेंज। ओए माइकल, ओए सुमित क्या हाल है तेरा, अबे लास्ट तू भी? हाँ मैं भी इधर ही हूँ। हाँ बोल सुमित। अबे तुम लोगों ने मुंह क्यों लटकाया हुआ है बिल्कुल पानी में ऐसे बैठे मुंह लटका के? अरे सुमित क्या बताए तुम्हें, बता तो। अरे वो रैम चैलेंज हो रहा है ना यार। अच्छा तुम्हें भी पता है उस रैम चैलेंज के बारे में? हाँ। फिर तुम लोग जा क्यों नहीं उस रैम चैलेंज में? अरे सुमित मैंने सुना उसमें जान का खतरा है, और तुझे पता है मैं तो बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। और तुझे पता है मैं तो मरीज हूँ, टांग टूटी हुई है। अच्छा अच्छा बात तो तुम्हारी सही है। ओ, बता तुझको कैसे आना था वैसे? अबे मेरे को उस रैम चैलेंज के बारे में जानना था, मेरे को पता था तेरे को जरूर पता होगा क्योंकि तू सारी खबर रखता लॉस सैंटोस की। अच्छा फिर अब तू मेरे को ये बता दे रैम चैलेंज कहाँ पर हो रहा है। अरे रैम चैलेंज, अरे वो तो हम तुम्हें लोकेशन भेज देंगे फोन पे और तुम्हारी एंट्री भी हो जाएगी। ओए पर सुमित ध्यान रखना, रैम चैलेंज बहुत खतरनाक होने वाला है, उसमें जान भी जा सकती है। अरे वो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई वो मौत से खेलता है ठीक है ना। अरे सुमित अगर तू जीत जाता है यार तो गाड़ी तो चलाने देगा ना हमें? हाँ सुमित चलाने देगा क्यों, अब क्यों नहीं चलाने दूंगा तुम लोगों को गाड़ी, बिल्कुल चलाने दूंगा। ऑफ कोर्स तुम लोगों ने मेरी हेल्प की मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बट पहले मेरे को उन गाड़ियों को जीतना पड़ेगा। वैसे तेरे को किस लिए चाहिए वो गाड़ी? हाँ, तेरे को किस लिए चाहिए वैसे वो तेरी गाड़ी? अबे मेरी नहीं, मतलब यार मेरे को तो सिंचैन के लिए चाहिए। ठीक है शुक्रिया दोस्तों। चलो गाइस यार अभी हमें लोकेशन मिल चुकी है, भाई टकला मेरे को बता नहीं रहा था ना रैम चैलेंज कहाँ हो रहा है, तो अब हम लोग जाएंगे और रैम चैलेंज जीत के आएंगे। तो गाइस यार मेरी गाड़ी के अंदर थोड़ा तेल कम था, इसलिए हम लोग अभी लेके जा रहे हैं माइकल की मम्मी की गाड़ी, अरे सॉरी माइकल की बीवी की गाड़ी, मैं भी उसकी मम्मी की गाड़ी बना रहा हूँ। अब जल्दी से चलते हैं हम लोग उस रैम चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं और देखते हैं यार जीतने वाले को कैसी गाड़ियाँ मिलेगी। बस यार कोई अच्छी गाड़ी मिले जिससे सिंचैन को मैं बता सकूं कि भाई हमारे पास भी गाड़ियां है, अगर वहां पर कोई बेकार गाड़ी हुई ना तो सिंचैन दिमाग खा जाएगा। तुम लोगों को पता है सिंचैन बहुत ज्यादा आरामी बच्चा है यार। अब जल्दी से चलता हूं उस रैम चैलेंज पे, और मेरे को लोकेशन मिल चुकी है मेरे फोन पे आज के, तो चलते हैं जल्दी से अब। अरे भाई साहब तुम लोगों को स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैम चैलेंज के अंदर। तो मैं हूं बिल गेट्स का फूफा और रोनाल्डो का चाचा अल्लुमिनाटी। अरे अरे जल्दी बताओ यार वो गाड़ियाँ कहाँ पर है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे अरे सब बताएंगे गाड़ियाँ कहाँ पर है, चलेंगे सब दिखाएंगे तुम लोगों को। शेर की मिट्टी खून का दम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम। अरे यहाँ पर लिटिल सिंघम भी आया, और आखिर में तुम कौन हो भाई कलवे भाई, तुम्हें किसने इन्वाइट किया और किसने बताया यहाँ पर रैम चैलेंज हो रहा है? क्यों भाई आ नहीं सकता क्या? अरे ठीक है तुम लोग आ गए हो तो कोई बड़ी बात है नहीं, वैसे जीत तुम लोग पाओगे नहीं, बहुत खतरनाक रैम चैलेंज है। अरे क्यों नहीं जीतूंगा, मैं जरूर जीतूंगा, 100% जीतूंगा। अबे ओए टोनी तेरे को क्या जरूरत आ गई इन गाड़ियों को जीतने की? अरे सुमित तुझे क्या पता ये गाड़ी कितनी ज्यादा रेयर है, लॉस सैंटोस में कहीं भी नहीं मिलेगी जो गाड़ी यहाँ मिलने वाली है। अच्छा तेरे को तो यार वैसी गाड़ियों का शौक है बहुत ज्यादा, और क्या जबी तो मैं यहाँ पर ये रैम चैलेंज करने आया हूँ। अबे यार मेरे को कहीं पर साइमन नहीं दिख रहा यार, वो बोल रहा था कि रैम चैलेंज में पार्टिसिपेट करने आएगा। अरे अच्छा वो टकला साइमन, हाँ तू जानता है उसे? हाँ जानता हूँ, आया था वो थोड़ी देर पहले, कहाँ गया वो? अरे उसका पिछवाड़ा फट गया देख के, इतना खतरनाक रैम चैलेंज है तो। अच्छा डर की मारे भाग गया का वो? हाँ एकदम सही सुन रहा है तू, उसका डर की मारे भाग गया, बोला मैं नहीं करने वाला इतना खतरनाक रैम चैलेंज। अच्छा तेरे को डर नहीं लगता क्या फिर मौत से? अरे नहीं नहीं यार मैं तो एक सुपर हीरो हूँ, मुझे मरने से डर लगने लगा तो बस दुनिया कैसे चलेगी फिर। हाँ वो बात भी सही है। अबे यार ये यहाँ पर क्यों आ गया यार, दिमाग खराब हो रहा है, और ये कैसे आगे बढ़ता जा रहा है एक बाई एक बाई एक। अरे चलो यार कोई इजी था बहुत ज्यादा, अब तो आगे आ चुका हूँ मैं काफी, अब मेरे को यहाँ पर जेट प्लेन उड़ाना है। अरे यार जेट प्लेन आता है तेरे को उड़ाना? अबे तू क्या समझता है, चाहे मैं आयरन मैन हूँ पहले मैं एक बिलियनियर हूँ, मेरे पास बहुत सारे प्राइवेट जेट प्लेन हेलीकॉप्टर सब कुछ है, मेरे को हर चीज उड़ानी आती है। ओके ठीक है ज्यादा ज्ञान मत पेल यहाँ पर ठीक है ना। ये मैं चला फुल स्पीड में थ्रोटल दबा के, ये ले। ओ भाई साहब यहाँ पर ये तो काफी मस्त तरीके से उड़ा रहा है भाई इसको जेट प्लेन को, अगर यहाँ पर ये जीत गया तो, नहीं 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 अगर यहाँ पर टोनी जीत जाता है तो गाइस यार मैं सिंचैन को क्या बोलूंगा कि मैं उसे झूठ बोल रहा था, हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है भाई, वो तो खा जाएगा मेरे को भाई, नींबू लगा के सही बता रहा हूँ। क्या तुमने कोई सिंचैन को झूठ बोला है? अरे नैना तुझसे लेना देना नहीं है ठीक है ना इस बात का। अरे अरे कोई टेंशन नहीं है सिंचैन, तेरे को गाड़ी नहीं मिलने वाली। अब ओए सिंचैन का नाम मत ले ठीक है ना,
अरे चुप रहना, तू जीतूंगा तो मैं ही। ओके तो गाइस यार यहाँ पर तो ये सही भी काफी सही करता जा रहा है। अरे ये क्या शिट, मैं लगता है थोड़ा लेट हो गया कूदने में। और नो यार, ये कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हर बार हो जाती है, मैं तो हार गया। शिट मैन, मेरे को लगा तो मैं यहाँ से जीत के जाऊंगा उन सभी गाड़ियों को। कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार ट्राई करूंगा या फिर मैं खुद से बनवा लूंगा खुद की गाड़ी। मैं तो एक बिलियनियर हूं ना। अब लिटिल सिंघम की बारी है। शेर की वर्दी खून का दम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम। अबे लिटिल सिंघम, तेरी आवाज तो ऐसी नहीं थी यार, तेरी तो बहुत अलग आवाज थी। अरे मेरा गला बैठा हुआ है, 4 दिन से मैंने बहुत सारी आइसक्रीम खाई है, इसलिए मेरी आवाज चेंज हो गई। अच्छा हाँ, तेरी आवाज सही में हल्क जैसी लग रही है मेरे को। अरे नहीं नहीं। अब कर क्या रहा है तू? अरे कुछ नहीं, मेरे को एक शॉर्टकट मालूम पड़ा था, वो लेने जा रहा था, पर ठीक है अब नहीं जाऊंगा उसे लेने के लिए। भाई साहब मेरे को ऐसा लगता है इसका दिमाग चटके आ गया है। अबे ये क्या कर रहा है ये? अरे चीटिंग ब्रो, चीटिंग। ओए भाई साहब, ये पुलिस वाला होके देख रहे हो शॉर्टकट मार रहा है, भाई ये तो गलत बात है। गजर देख रहे हो तो डैट यहाँ पर नीचे आ गया। अरे इसी को तो बोलते हैं माइंड गेम्स। अरे भाई यार माइंड गेम। अबे लिटिल सिंघम, तेरे को भी जेट प्लेन उड़ाना आता है? अरे मैं तो पुलिस में हूँ ना, पुलिस वालों को जेट प्लेन क्या, फायर विकेट भी चलानी आती है। फायर विकेट तो इजी है जेट प्लेन से, ठीक है ना? हाँ वही बोले तो ट्रेन चला लूँ। अबे ट्रेन भी इजी है चलानी। हाँ तो ठीक है, अब तुझे भगा दूँ। नहीं 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 नहीं, तू भाई चला 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 चला। गाइस यार मैं तो ये सोच रहा हूँ आखिर जीतने वाले को कैसी गाड़ी मिलने वाली है। अरे एक गाड़ी थोड़ी मिलेगी फिर। अरे जीतने वाले को 3 गाड़ियां मिलने वाली है। क्या 3 गाड़ी मिलेगी जीतने वाले को? ओ भाई साहब 3 गाड़ियां, जो जीतेगा उसे मिलेगी 3 गाड़ियां। मैं तो सोच सोच के यार ऐसे हो रहा हूँ कि क्या होगी उन गाड़ियों के अंदर। ऐसी गाड़ी होगी तो तुमने कभी नहीं देखी होगी। अबे ये क्या कर क्या रहा है ये यहाँ पर? अरे चुप रहना, मैं अपना प्लेन उड़ा रहा हूँ ना, चुपचाप मेरे को उड़ाने दे। अबे भाई साहब ये लिटिल सिंघम कवर क्या रहा है भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से प्लेन उड़ा रहा है, बावली बूझ तरीके से। अरे अरे जीतूंगा तो मैं ही, सिंपल बात है, पुलिस वाले किसी से नहीं डरते। हाँ ठीक है, डरता तो किसी से भी नहीं है तू, मेरे को भी पता है। अबे यार इसको कोई डिस्क्वालीफाई करो ना यार, मेरे को अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ये जीतना चाहे। और ये देख रहे हो यार, टोनी स्टार्क से तो आगे आ गया, क्योंकि टोनी स्टार्क यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो गया था, उसका प्लेन ज्यादा आगे चला गया था, पर यार यहाँ पर इसने प्लेन को रोक लिया। और भाई सब यहाँ पर इसने जेट्स की भी ले लिए। गाइस यार मैं बहुत ज्यादा बीपी हाई हो रहा है मेरा, अगर मैं नहीं जीता तो सिंचैन को क्या बोलूंगा, और उसका दोस्त शाम को फिर से आएगा जैसा कि वो बोल के गया। तुम लोगों को पता है यार, बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए किसी वक्त भी आ जाते हैं, तो सोचो शाम तक अगर मेरे को गाड़ियां नहीं मिली तो यार सिंचैन को चिढ़ाने के लिए उसका दोस्त फिर से आएगा। और जब सिंचैन चिढ़ेगा और उसे पता चलेगा कि सुमित मैंने मतलब झूठ बोला था, तब मेरे को मार देगा यार वो। नो नो, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही डर रहे हो। अब ओए सिंचैन को तू जानता नहीं है, तेरी तो बोटी बोटी कर देगा वो। अच्छा अच्छा, बात तो तुम सही कह रहे हो, थोड़ी 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 नहीं पूरी सही कह रहा हूँ मैं। अब है भाई साहब ये लिटिल सिंघम बढ़ता ही जा रहा है यार, आगे इसको डिस्क्वालीफाई करो ना यार। शेर की वर्दी खून का दम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम। अरे तू जा यार लिटिल सिंघम, इसको कोई डिस्क्वालीफाई करो जल्दी से। और ये भाई मजा आ गया, ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया। अरे ये कैसे, मैं कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ, मेरे को तो सब कुछ चलाना आता था। अरे यहाँ पर सब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, बस बचा है ये कलवा आदमी, और मेरे को लगता नहीं है कलवा आदमी तू जीत पाएगा। अबे क्यों, तुझे क्यों लगता है मैं कलवा हूँ तो जीत नहीं पाऊंगा? अरे काले लोग जीत नहीं पाते जल्दी सी। अबे तू ज्यादा मत बोल ठीक है ना। अरे तू जाना होता कौन है मेरे को बोलने वाला तू? अबे जीतूंगा तो मैं यहाँ पर। अरे टाइम बताएगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अरे ये देखो काला आदमी व्हाइट मोटरसाइकिल पे बैठा है। ये क्या बकवास है भाई, अगर मैं व्हाइट मोटरसाइकिल पे बैठा हूँ तो यार ऐसे मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं ये लोग यार। सुबह सिंचैन कर रहा था, अब ये कर रहा है। गाइस यार मेरे को फेरा लवली लगानी पड़ेगी, मेरे को आ रहा है सब कुछ समझ, मेरे को बढ़िया से फेरा लवली लानी पड़ेगी, वो लगानी पड़ेगी, और फिर भी मैं वो गाना गाऊंगा। मैंने फेरा लवली महंगी कर दी, लाला के मर जानी। ए यार ये तो गाना अजीब है थोड़ा। कोई बात नहीं, और यहाँ पर हम लोग काफी सही कर रहे हैं। और यार मेरे को नहीं पता वो शॉर्टकट कहाँ से लिया था यार उसने, भाई कहीं से तो लिया था। छोड़ो ना यार, शॉर्टकट लेने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाएंगे। ये ले भाई साहब, तुम्हारा भाई और भी ज्यादा पिरो है यार ये। अबे भाई सांस फूल गई थी एकदम, क्योंकि ज्यादा ही ऊंचाई से जंप लगाई थी तुम्हारे बाइक में। ओए भाई चलो यार अब जेट प्लेन उड़ाते हैं। अबे यार मैंने अपनी बाइक को लाके पीछे ठोक तो दिया मिसाइल्स के अंदर, सोचो अगर थोड़ा और तेज ठोकता तो यहीं पर ये जेट प्लेन ही फट जाता और तुम्हारा बाइक यहीं पर ही ऐसे ऐसी हो जाता, समझ रहे हो ना। चलो हो गया हमारा जेट प्लेन और ये लग गए बूस्टर, पायलट सुमित उड़ान भरने के लिए तैयार। और ये उड़ान भर दिए एकदम मस्त तरीके से, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 180 और 190 टच हो गई। अबे यार ये काफी स्लो है यार जेट प्लेन। ओ बच गया भाई,
थोड़ा सा रह गया, वो लास्ट वाली मिसाइल है ना, इतू सी रहेगी, टच हो जाती ना तो मिसाइल फट जाती है और यहीं पर हमारा गेम ओवर हो जाता। पर कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे साथ हो ना। तो गाइस यार आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और मेक श्योर कॉमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है कि शिनचैन के लिए गाड़ी लेनी है, समझ रहे हो ना। अगर आप लोग ये लिखते हो ना विन दी कार्स, तो गाइस यार मैं गाड़ी जरूर जीतूंगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या कर रहे हो, कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो विन दी कार्स, जिससे हम लोग वो गाड़ियाँ जीत जाए और फिर शिनचैन को दे सकूँ। और भाई मैं तो अब यही सोच रहा हूँ गाड़ियाँ कैसी होगी यार, तीन तीन गाड़ियां, एक तुम्हारा भाई रख लेगा, एक शिनचैन को दे देगा और एक हम किराए पे, नहीं नहीं छोड़ो यार तीनों अपने ही रखेंगे, हाँ एक माइकल को दे देंगे, माइकल और लेस्टर को, क्योंकि उन्होंने हमारी हेल्प की थी ना यार, क्या बोलते हैं यार बताने में कि रैम चैलेंज कहां पर हो रहा है, अगर वो लोग मेरे को नहीं बताते रैम चैलेंज कहां पर हो रहा है तो शायद मैं यहां पर नहीं आता। तो गाइस यार अभी हम लोग टोनी स्टार्क से तो आगे आ चुके हैं, टोनी वहां पर पीछे डिस्क्वालीफाई हो गया था जैसा कि तुम लोगों को याद है, अब बस मेरे को उसको पीछे करना है लिटिल सिंघम को और उसके बाद हम लोग जीत जाएंगे। नाइस नाइस नाइस, चलो 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 ये फुल स्पीड में। यार मेरी तो टाइमिंग ही खराब है, कितनी टाइमिंग खराब है तुम्हारे भाई की सेमी। ओके भाई ये जेट्स की ना 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ऊपर जाती नहीं है, उससे ऊपर तो जाएगी नहीं शायद, ये इसके अंदर बूस्टर लगवाएं तो ये और ऊपर जा सकती है। गाइस यार तुम लोग बताओ मेरे को, क्या तुम लोगों ने कभी रियल लाइफ में जेट्स की चलाई है, मेरे को जरूर बताना ठीक है। ओके भाई साहब अब यहाँ पर हमें लेनी है गाड़ी और उसके बाद बस हम लोग जीतने वाले जितना मेरे को समझ में आ रहा है। ओके भाई यार हमने ले लिया ये ब्लू कलर की गाड़ी, अब मेरे को समुंदर खींचेगा तो नहीं अपनी तरफ क्योंकि हमारी ब्लू कलर की गाड़ी जो है। ओए भाई साहब ये पता नहीं विंडमिल कैसे घूम रहे पानी के अंदर, सोचो यार पानी के अंदर घूम रहे विंडमिल, कितना प्रेशर होगा भाई वहां पर। ओ ये घुमाती यहाँ से और धीरे धीरे धीरे, ज्यादा तेज नहीं, अगर ज्यादा तेज हम लोगों ने ली तो हम लोग पानी में जा सकते हैं। ओ बिल्कुल परफेक्ट। तो गाइस यार यहाँ पर मैंने लिटिल सिंघम को भी पीछे छोड़ दिया क्योंकि लिटिल सिंघम वहां पीछे गिर गया था पानी के अंदर। अब यहाँ पर क्या है भाई, समझ नहीं आ रहा क्या है ये जीगा, शायद मेरे को तेज रखनी है मेरी गाड़ी, हाँ शायद तेज ही रखनी है, नहीं स्लो कर लेता हूँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, कुछ तो अजीब अजीब सा था। ओके भाई यहाँ पर अभी एक और ट्यूब है, उसके अंदर भी बोल्स है यार, अभी ये बोल यहाँ पर रुकी कैसे हुई है, पता नहीं कैसे रोक रखा होगा इस बोल को यहाँ पर, और ये हम लोग यहाँ पर पहुंच गए बिल्कुल परफेक्ट नाइस। तो गाइस यार अब ये क्या है, अब मेरे को बाइक भी लेनी है, सोचो यार शुरुआत में मैंने बाइक ली, फिर मैंने बाइक, उसके बाद हमने हेलीकॉप्टर नहीं पता एरोप्लेन लिया था, सॉरी हमने जेट प्लेन लिया था, उसके बाद भाई हमने जेट्स की ली, उसके बाद फिर हमने गाड़ी ली और यहाँ पर हमें फिर से बाइक मिल गई यार, मतलब कितना ज्यादा व्हीकल है भाई इस वाले रैम चैलेंज के अंदर। अभी ये क्या है रास्ते में, गाइस यार ये देख रहे हो ये क्रिसमस ट्री है, और ये कोई नॉर्मल क्रिसमस ट्री नहीं था जिसको मैंने टक्कर मारा, वो असल में एक डायमंड का क्रिसमस ट्री था यार, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े बर्गर्स है यार, इतने बड़े बड़े बर्गर्स तो मैंने कभी भी नहीं खाया यार, तुम लोग बताना तुम लोगों ने सबसे बड़ा बर्गर कितने साइज का खाया है, एक्स्ट्रा लार्ज, वेरी एक्स्ट्रा लार्ज या महाराजा टाइप बर्गर, भाई पता नहीं कौन कौन से बर्गर आते हैं मेरे को तो याद भी नहीं है, तुम लोग बताना कौन कौन से बर्गर खाते हो। एक और देखो यहाँ पर क्रिसमस ट्री रहा, इसको भी नीचे गिरा दिया तुम्हारे भाई ने, अब यहाँ पर आगे चलते हैं, नाइस इस तरफ जाना है जैसा कि एरो मेरे को बता रही है, धीरे धीरे बिल्कुल परफेक्ट। अरे 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 हटो यार, क्या है लाइफ इन्फेडर, मेरी लाइफ की ऐसी तैसी कर रखी इन लोगों ने। ए अब हम लोग आ चुके कहाँ पर, और भाई कितनी ऊंचाई पे आ चुका हूँ मैं, गाइस यार इसमें जान का खतरा तो कहीं पे भी नहीं है यार, मतलब पानी के अंदर गिरे तो बच जाएंगे पर यहाँ से नीचे गिरा, अगर मैं वहां पर नीचे प्लेटफॉर्म पे गिरा तो मर जाएंगे, तो रिक्स तो है पर इतना नहीं है क्योंकि हम लोग इतनी ऊपर से कूदेंगे तो सीधा पानी में जा सकते हैं इजीली। ओ भाई यार अभी तो काफ़ी बड़ा रैम चैलेंज बच रहा है जैसा कि मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ से, और यहाँ पर एल लगे पड़े हैं मेरी लाइफ के, और यहाँ पर सामने भी एल ही एल रखे हैं। अबे भाई ये देखो, ये तो और भी ज़्यादा बड़े बर्गर्स है यार, इसके देखो भाई कितने बड़े बंस थे यार सेमी, चलो इनको हटाओ साइड में, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये क्या है सामने, ग्रूट है क्या भाई ये, नहीं नहीं कोई पेड़ है, मेरे को लगा ग्रूट है। अबे यहाँ पर क्या करना है अब समझ ही नहीं आ रहा, हाँ यहाँ पर सीधे ही जाना है, तो हम लोग आज के ग्रूट की टांगों के नीचे से ऊपर, और ये बिल्कुल परफेक्ट। अब भाई कितना बड़ा रैम चैलेंज है, अरे थोड़ा सा और रह रहा, थोड़ा सा, अबे जीत तो जाऊंगा ना मैं, अरे हाँ जीतेगा, आज तक कोई नहीं पहुंचा तेरा जितना दूर, तो हाँ तो मेरे को जीतना है ये भाई ये रैम चैलेंज, क्योंकि वो गाड़ियाँ जो लेके जानी है मेरे को। गाइस यार तुम लोग रुके रहना रास्ता, अगर तुम लोगों को वो स्पेशल टाइप्स की गाड़ियाँ देखनी है, अगर तुम लोग अभी छोड़ के चले गए तो तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा आखिर शिनचैन को कैसी गाड़ियाँ मिलने वाली है, समझ रहे हो ना। ओके भाई साहब इनको साइड में करते हो बिल्कुल परफेक्ट। वो यार ये गेमिंग आर्केड वाली जी चीज है वो, जिस पे अपन गेम्स वेम खेलते हैं ना बचपन में। अब क्या है यार मेरे को टेक फ्लाइट नहीं लेनी, मेरे को इसको ऊपर से जाना है। ओए यार अभी मेरे को हेलीकॉप्टर भी उड़ाना है क्या भाई, अब ये मत बोलना आगे जाके मेरे को मरीन शिप भी चलानी है। अरे नहीं नहीं मरीन शिप नहीं चलानी, बस इसके बाद एंड इस चीज का,
हाँ यार, बस मेरे को एंड चाहिए यार। कब से चल रहा हूँ यार मैं इस रैम चैलेंज के अंदर। भाई कितना बड़ा रैम चैलेंज बनवा रखा है सेमी भाई यार। अब मेरे को इन टायर्स के बीच में सो रहे इस हेलीकॉप्टर को निकालना है। बस ये कहीं पर भीड़ उड़ा ना आ जाए, इसकी पंखड़ी वंकड़ी टूट गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। ओके आराम आराम से, आराम आराम से सुमित, ज़्यादा जल्दी नहीं है, आराम आराम से। अभी काफ़ी टाइम है शाम होने में, शाम का बोला है सिंचैन को गाड़ी लेके जाना है, तो अभी काफ़ी टाइम है सिंचैन के लिए गाड़ी लेके जाने में। बस उसका दोस्त, वो हरामी दोस्त जल्दी ना आ जाए, कहीं वो जल्दी आ गया और सिंचैन को बोले कि तेरी गाड़ी कहाँ पर है और मैं वहाँ पर हूँ नहीं, फिर सिंचैन मेरे को कॉल करे, फिर मेरे को गालियाँ पड़े, वो मैं चाहता नहीं हूँ। ओए शायद फिनिश लाइन दिख रही है यहाँ से। हाँ देखो यार, वो रही सामने फिनिश लाइन। बस यार हम लोग जीतने वाले हैं। वो अबे क्या हो रहा है हेलीकॉप्टर के अंदर? अरे क्या कर रहा है? पता नहीं हेलीकॉप्टर के अंदर क्या हो रहा है, लगता है इसका तेल वेल तो खत्म नहीं हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, तेल तो काफी डाला था हमने, 10-12 लीटर। क्या सिर्फ 10 लीटर? अब भाई हेलीकॉप्टर पता है कितना तेल पीता है। चलो भाई फाइनली हम लोग उतार तो दिया सेफली हेलीकॉप्टर को। ओ यहाँ पर हम लोग जीत के, देखो वो रही फिनिश लाइन। ओ भाई टेम मजा आ गया। अरे भाई जल्दी आ जा यार, मेरे को वो स्पेशल टाइप की गाड़ियाँ दे दे भाई। कौन सी गाड़ी है जल्दी दे दे भाई मेरे को। तो गाइस यार ये रही तुम्हारे भाई की ट्रॉफी। ट्रॉफी का तो हम कुछ करेंगे नहीं, तुम लोग ले लो। अरे कांग्रेचुलेशन है। कांग्रेचुलेशन होता है वो? अरे भाई सेम सेम। हाँ चल जल्दी से मेरे को मेरी गाड़ी दे दे। अरे यार मेरे को लगा नहीं था कोई कलवा आदमी कभी जीत पाएगा। अबे तू जानता क्या मेरे बारे में? मैं हूँ तो सुमित ओपी, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत फैल। हाँ तो ठीक है, बता देना कहाँ डिलीवर करानी गाड़ी, वहीं पर ही करा दूंगा। क्या कितना टाइम लगेगा? अरे 5 मिनट। ठीक है मैं मेरा पता भेज दूंगा। तो चलो गाइस चलते हैं यहाँ से जल्दी से, घर पहुंचूंगा इतने पहुंच जाएगी गाड़ी मेरे घर पर। लेट्स गो, देखते हैं भाई सब कौन सी गाड़ी मिलने वाली है हमें। ओह तो गाइस यार बस हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। अबे ये गाड़ी किसकी है? अरे भाई, अरे सुमित भैया ये देखो क्या कमाल की गाड़ी है यहाँ पर। ओ भाई सब मेरे को लगता है उसने गाड़ी डिलीवर भी करा दी इतने मैं पहुंचा यहाँ पर। अरे सुमित भैया यार सही, तुम्हारे पास तो क्या कमाल की गाड़ी थी, पहले क्यों नहीं ली कभी ये? अबे मेरे को खुद नहीं पता था कि अपने पास इतनी कमाल की गाड़ी है। भाई ये देखो यार क्या मस्त गाड़ी है यार ये तो सही। अरे सुमित भैया क्या कर रहे हो, टक्कर क्यों मार रहे हो? अबे रुक तो जा, तेरे को गाड़ी तो दिखा दूं। और ये देख भाई सिंचैन, ये तो डिस्को डांडिया है पूरा। हाँ सुमित भैया ये तो बार बार। और ये लास्ट वाली कौन सी है, देखता हूँ इसको भी। ओ भाई साहब ये तो बैटमैन की लग रही है। और ये देख सिंचैन इसके चारों तरफ बैट उड़ रहे हैं। अरे सुमित भैया इतनी मस्त कमाल की गाड़ी है तुमने अपने दूसरे घर में रख रखी थी, कैसे पागल आदमी हो, इसको तो डेली चलाना चाहिए। हाँ सिंचैन मेरे को भी नहीं पता था मेरे घर में इतनी मस्त गाड़ी है। अरे सुमित भैया चलो चलो अब थोड़ी देर, मेरा दोस्त आता ही होगा, उसका फोन आया है, आ जाने दे आने दे। चलो यार चलता हूँ जल्दी से, अब देखता हूँ सिंचैन के पास कोई गाड़ी है भी नहीं। झूठ बोल रहा होगा पक्का। हाँ मेरी जैसी गाड़ी किसी के पास हो ही नहीं सकती, मेरे पापा बहुत अमीर है, मेरी जैसी गाड़ी तो किसी के पास भी नहीं होगी। अरे सिंचैन ये देख। अरे ये देख तू देख बिल्लू आके पहले। अरे ये तो लग्जरी एडिशन वाली बैटमैन कार है जो बहुत महंगी है। अरे ये वाली तो मेरे को पसंद आई थी पर पापा बोले है ले नहीं सकते, बहुत महंगी है। और ये वाली तो सबसे रेयर है। अरे सिंचैन तेरे पास इतनी महंगी महंगी गाड़ी है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तेरे को क्यों बताया जब हमारे पास इतनी महंगी गाड़ी है? अरे सिंचैन मुझे माफ कर दे यार, मेरे को तेरी गाड़ियाँ चलाने देना। अरे किस बात की गाड़ी चलाने दे? हाँ किस बात की, हम तुझे अपनी गाड़ी चलाने दे, चल भाग यहाँ से भिखारी कहीं का। अरे सिंचैन यार मुझे माफ कर दे यार, मैं तेरा दोस्त हूँ। अरे जाने यहाँ से, सुबह आया था जब तो बड़े ढींगे हाँक रहा था कि हमारी जैसी गाड़ी किसी के पास नहीं, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, चल निकल अपनी गाड़ी को लेके। अरे तेरी ऐसी तैसी, मैं फिर आऊंगा अपनी मस्त गाड़ी लेके। हाँ ले आइयो, तेरे पास और कोई मस्त गाड़ी हो तो। अरे पापा पापा। ओ तो गाइस यार यहाँ पर देख रहे हो सिंचैन ने अपने दोस्त से बदला ले लिया बेइज्जती का। हाँ सुमित भैया मजा आ गया। तो गाइस यार हम लोगों को भी अब जाना चाहिए, आप लोगों को जल्दी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और हम लोग मिलेंगे कोई नई वीडियो नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।